हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुमेरपुर उपखंड के बांकली गांव में रात को अज्ञात वाहन के टक्कर से विद्युत पोल धराशायी। वहीं सोमवार की रात को वार्ड नंबर 2 में हॉस्पिटल के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से विद्युत का पोल धराशायी हुआ, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं आसपास के रहवासियों ने बताया कि रात भर विद्युत की सप्लाई चालू रही। सवेरे करीबन 5 बजे GSS पर फोन करने के बाद में सप्लाई बंद की गई। करीबन 50 मीटर दूर विकट मोड़ पर खड़े 2 टूटे हुए पोल, जिसको लेकर ग्रामीणों, वार्ड पंच व पंचायत ने कई बार विद्युत विभाग को अवगत करवा चुकी है। अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है, ANJN साहब को भी कई बार किया गया है, मगर इनकी विद्युत लापरवाही कर्मचारी और अधिकारियों की है कि इसी जगह पे नहीं रख सकते, दूसरी जगह पे रखो। इनके कर्मचारी मेहनत नहीं करना चाहते, मगर इसी जगह पे अगर किसी का ऑब्जेक्शन होता है तो इसी जगह पे मेहनत नहीं करना चाहते ये कर्मचारी, न ANJN उस जगह पे दबाव देते हैं, न कर्मचारी करना चाहते हैं। लेकिन आज दिन तक विभाग द्वारा कोई सुध नहीं ली गई है। अगर इस पोल पर टक्कर लगती तो गांव में काफी बड़ा हादसा हो सकता था। जो पोल खड़ा है वो बीच में से टूटा हुआ है, उसके बारे में आपने कभी अधिकारियों को अवगत करवाया क्या? करवाया। किनको करवाया था? ANJN सबको करवाया। तो क्या हुआ? कोई कार्रवाई की नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं। जो कल ये जो हादसा हुआ है, ट्रक ने करीबन 50 मीटर की दूरी पर दूसरा पोल गिराया, अगर ये पोल गिरता तो क्या होता? तो लोगों ने हादसा होता, क्योंकि इस पोल पर चारों साइड में लाइन निकाली हुई है और यह पोल चार रास्तों के नुक्कड़ पर खड़ा है। यह पोल बीच में से टूटा हुआ खड़ा है। सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।